हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लेटर सी और लेटर डी वाले वर्ब्स देखेंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। पहला है हमारे पास कॉल। कॉल की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है कॉल्ड। कॉल्ड कॉल मतलब बुलाना, जैसे हम किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं या कॉल करते हैं, तो उसमें क्या होगा, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। इसके बाद है कैच। कैच मतलब पकड़ना, कैच, कॉट, कॉट। नेक्स्ट इज चीट। चीटेड, चीटेड मतलब धोखा देना। द नेक्स्ट इज चूज, चोज, चूजन मतलब चुनना। कभी मान लो आपके पास कुछ आइटम्स पड़ी हुई हैं, आपको उनमें से कुछ सेलेक्ट करना है, चुनना है, तो आप क्या बोलेंगे, चूज। सेकंड फॉर्म रहेगी चोज, थर्ड फॉर्म रहेगी चूजन। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइंब। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, जैसे पेड़ पर चढ़ना। ठीक है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड। उसके बाद नेक्स्ट है क्लिंग, क्लंग, क्लंग मतलब है चिपटना। जैसे मान लो फेविकोल है, फेविकोल से कोई चीज़ आप जोड़ते हैं तो चिपक जाती है ना, सेम वैसे ही क्लिंग, क्लंग, क्लंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लोज। क्लोज मतलब बंद करना, जैसे खिड़की बंद करना, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। नेक्स्ट वर्ड है क्लोथ मतलब कपड़े पहनना। एक होता है कपड़े, वो एज अ नाउन क्लोथ यूज होता है, ठीक है, और ये क्लोथ जो है एज अ वर्ब यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म रहेगी क्लोथेड, क्लोथेड। ओके, इसके बाद है चाइड, चिड, चिड। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चाइड, चिड, चिड। इसका मतलब है झिड़कना। झिड़कना मतलब डांटना, रेब्यूक। जब किसी को डांट लगाते हैं ना, उसी कहते हैं चाइड, चिड, चिड। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कम। कम मतलब आना, COME, कम मतलब आना, कम, केम, कम। नेक्स्ट वर्ड इज काउंट। काउंट मतलब गिनना, जब हम मान लो पैसे गिनते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, काउंट। काउंट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म है काउंट, काउंटेड, काउंटेड। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्रीप। क्रीप मतलब रेंगना, जैसे सांप रेंगता है तो उसे हम कहते हैं क्रीप। ठीक है, सेकेंड थर्ड फॉर्म है इसकी क्रेप्ट, क्रेप्ट। नेक्स्ट वर्ड इज क्राई। क्राई मतलब चिल्लाना। चिल्लाना भी मतलब होता है और रोना भी इसका मतलब होता है। ठीक है, क्राई, क्राइड, क्राइड। ओके, यहाँ तक थे सी के। इसके बाद मैं आपको डी वाले समझाता हूँ, ये वाले डी। यहाँ से लेट्स स्टार्ट। डील। डील के यहाँ पर दो मतलब लिखे हैं हिंदी में, बट उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही रहेगी। ठीक है, डील, डेल्ट, डेल्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। सलूक करना, सलूक मतलब व्यवहार करना, जैसे होता है ना, हम किसी से डील कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, ये वो वाला सलूक करना है। तो डील, डेल्ट, डेल्ट, और दूसरा हिंदी में इसका मतलब है व्यापार करना। जब आप किसी चीज़ में डील करते हैं, मान लो आप चावल के व्यापार में आप डील करते हैं, तो वो व्यापार हुआ, तो यू डील विद राइस मील या यू डील विद राइस इंडस्ट्री, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है डिनाई। डिनाई मतलब मुकरना या इनकार कर देना किसी चीज़ से। सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी है डिनाइड, डिनाइड। नेक्स्ट वर्ड आता है डाई। इसका मतलब होता है मरना, जब मरते हैं तो उसको कहते हैं डाई, डाई, डाइड, डाइड। नेक्स्ट वर्ड इज डिग। डिग मतलब खोदना, जब हम कोई चीज़ को खोदते हैं, जैसे कि मान लो जमीन को खोद रहे हैं, तो यूज़ करेंगे वर्ड डिग का। तो सेकंड थर्ड फॉर्म रहेगी डग, डग। ठीक है, इसके बाद है डू। सबने सुना होगा डू, डिड, डन मतलब करना, जब आप किसी चीज़ को करते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं डू। थर्ड और सेकेंड फॉर्म रहती है उसमें डिड और डन। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रैग। ड्रैग मतलब घसीटना, मान लो आप चेयर को एक तरफ से दूसरी जगह घसीट कर ले गए, तो आप उसे कहेंगे ड्रैग करना, तो ड्रैग, ड्रैग्ड, ड्रैग्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉ। ड्रॉ मतलब खींचना, ड्रॉ, ड्र्यू, ड्रॉन, जब किसी चीज़ को हम खींचते हैं, इसी से एक वर्ड बना हुआ है ड्रॉअर। जब आप ड्रॉअर को खींचते हैं ना, तो उसी से एक वर्ड बना है, ये ड्रॉ वर्ब है, और वो ड्रॉवर क्या हो जाता है, एक नाउन हो जाता है। ड्रीम मतलब सपना देखना, स्वप्न देखना या सपना देखना, एक ही चीज़ होता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म है ड्रेम्ट और ड्रेम्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना,
ड्रैंक ड्रंक मतलब ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक मतलब पीना. नेक्स्ट वर्ड इज ड्राइव मतलब चलाना. ठीक है ड्राइव ड्रोव ड्राइवन चलाना. अच्छा ड्राइव जब आप वर्ड यूज़ करते हैं ये सिर्फ कार के लिए यूज़ होता है, बाइक के लिए नहीं होता. बाइक के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? राइड. ठीक है लास्ट वर्ड है डी की सीरीज में ड्राई. ड्राई मतलब सूखना. ठीक है तो उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है ड्राइड ड्राइड. ओके सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको सी लेटर और डी लेटर से रिलेटेड जो मेन थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैं वो समझाई हैं. इसके आगे के सीरीज़ मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगा. ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी. बाय एवरीवन.